तो गाइस केक कट गया, जैसा कि आपने सभी को देखा, सभी लोग को देख लिया। तो चलिए मैं सबसे मिला भी देती हूँ आप सभी को कि कौन मेरा क्या लगता है। तो चलिए सबसे पहले, तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरा 100 केक पूरा होने वाला है और रात के 11 बज रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं। और इतनी रात को जगने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा 100 केक कब पूरा होगा, और बस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 30 बचे हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये भी कंप्लीट। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कब होगा। आप लोग देख सकते हो सिर्फ 24 बचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। और मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर पे सभी लोग सो चुके हैं, एकदम सन्नाटा हो चुका है और हम लोग का 100 के ऐसे टाइम पे पूरा हो रहा है कि किसी के साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, खुश भी नहीं हो सकते। तो गाइस वेट करते हैं कब तक पूरा होगा, फिर उसके बाद सुबह सभी सुनते हैं। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा 100 के फाइनल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सभी के सपोर्ट से और आप सभी की दुआओं से मेरा 100 के फैमिली कंप्लीट हो गया है। और रात में मैंने वीडियो शूट किया और मैं अभी नेक्स्ट डे अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। रात में मैं वेट कर रही थी कि मेरा 100 के कब पूरा होगा, तो फाइनली पूरा हो गया और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो हम लोग सोचे सेलिब्रेट भी होगा, तो इंशाल्लाह सेलिब्रेट ज़रूर होगा, तो शाम को सेलिब्रेट होगा इंशाल्लाह। और आज की पार्टी होगी हमारे ससुराल, और चलिए आप लोग को भी दिखाएँगे। तो चलिए पहले फटाफट तैयार हो लेते हैं और चलते हैं घर, अपने ससुराल चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ चल के आप सभी से मिलते हैं। ये 100 के होने के बाद ठंडे चल रहे हैं ना? हाँ, तो शुरुआत इससे हो गई है, लेकिन अभी पार्टी बाकी है, आप लोग वेट करिए और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो मेन पार्टी मिलेगी आप लोगों को मेन जगह पे शाम के वक्त ना, शाम के टाइम। अच्छी, क्या पार्टी में क्या देने वाली है? और इधर ये भी ठंडा पी रहे, ठंडा पी के कैसा लग रहा है बेटा? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? इधर देखो, इधर देखो, अच्छा लग रहा है। इधर कैमरे पे हाय बोल दो, हाय बोलो। हाँ, बिटिया रानी हाय बोल रही है और ये पार्टी में लगी हुई हैं। और चलिए शाम को असल पार्टी मिलती है आप लोगों को, वीडियो में बने रहिएगा तब तक। ये क्या है बेटा, ये क्या है? तम? नहीं नहीं, बस नहीं, अब नहीं बेटा, नहीं नहीं, बहुत हो गया, नहीं नहीं बस, नहीं बेटा। बच बच बच, गिरा भी नहीं उसमें। ये देखो बच। हाँ पी लो, हाय बोलो। तो गाइस मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ एजल के दादी के घर, आई मीन अपने ससुराल जाने के लिए, और मेरी एजल भी तैयार हो चुकी है। उधर एजल, इधर आ जाओ, पता नहीं कहाँ जा रही है, उसको लग रहा है हम दुकान जा रहे हैं, इधर आओ। तो गाइस अभी हम लोग एजल के पापा का वेट कर रहे हैं, अभी वो नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो चलते हैं फिर। तो बस अभी एजल के पापा आते ही होंगे, तो चलते हैं उनका वेट करते हैं थोड़ी देर, फिर वो आते हैं तो फिर चलते हैं वहाँ, फिर वहाँ चल के आप सभी से मिलते हैं। बेटा टॉफी लेने जा रही हो? हम तो दादी के घर जा रहे हैं। दादी घर चलोगी ना? हाँ। दादा अच्छे हैं कि दादी? बेटा कौन अच्छा है, दादा अच्छे हैं कि दादी? कौन अच्छा है बताओ? दादी। दादी अच्छी है? अरे मेरा बच्चा, दादा दादा भी अच्छे हैं ना? मम्मा मम्मा भी अच्छी है? अरे मेरा बच्चा। केक कटेगा सब में बटेगा। तो फाइनली गाइस अब केक काटने की बारी आ गई है और शाम का वक्त है, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा एजल जा रही है। तो गाइस फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई और मैं अभी कुछ देर पहले आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ सारी तैयारियाँ पहले से हो चुकी है, मुझे लगा ये मेरे आने के बाद होगी, लेकिन बहुत सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, जैसे कि खाने वाना का तैयारी हो गया था और केक भी आ गया था, थोड़ा बहुत सजावट भी हो गई थी, तो मुझे नहीं पता था इतनी सारी तैयारियाँ, मुझे लगा सिर्फ केक कटेगा, 100 के वाला केक कटेगा जो कटा था आज। तो अभी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, अभी सभी लोग नीचे हैं,
तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ सारी तैयारियाँ हो गई हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद केक कटेगा तो फिर आप सभी को, वैसे आज मैं आप सभी को अपने ससुराल वालों से भी मिलाऊंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि ससुराल वालों से मिलाइए, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन मेरी ननद है, मेरी सासू माँ, और सभी से मैं आज आप लोगों को मिलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कहाँ तैयारी हो रही है और कहाँ केक कटेगा। तो चलिए चलते हैं, मेरा रूम छत पर ही है और छत पर ही केक कटेगा, लेकिन रूम में नहीं, बाहर कटेगा। चलिए फिर देखते हैं, चलो ऐसा आ जाओ। तो गाइज ये है हॉल और यहीं केक कटने वाला है, अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं। गाइज अभी सभी लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी लोग आ गए हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ लोग बाकी हैं जैसे कि एजल के बड़े पापा और इसके चाचू लोग, तो बस वो लोग आते ही हैं, फिर उसके बाद केक काटेंगे हम लोग। तो दोस्तों पसीने बहुत हो रहे हैं और अभी केक आ गया, इधर देख सकते हैं आप 1 kg का केक है और सारे लोग भी आ चुके हैं इधर। और कहाँ जाएगा, मेरे पास माइक है। नहीं, मेरे पास भी माइक लगा हुआ है ना, दो माइक है और बाकी सारे लोग देख सकते हैं इधर टहल रहे हैं, कुछ हाँ बेटा रुक जाओ, वीडियो में आने से डर रहे हैं। एक कट ये देखो आप कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर केक कटते हैं, कट करते हैं। बस बस फट गया, सब खत्म हो गया, खड़े हो जाओ। क्या छोटी मग, छोटी मग मुख खोला बड़का चला। हाँ क्या होती क्या होती क्या हाँ सबके सबके क्यों कहाँ ले लो आवा एबसरा आगे क्या दब हम एक प्लेट वाली गोल्डन मांग रहे, वो वीडियो में आ रहे जरन भाग गया। तो गाइस केक कट गया जैसा कि आपने सभी को देखा, सभी लोग को देख लिया। तो चलिए मैं सबसे मिला भी देती हूँ आप सभी को कि कौन मेरा क्या लगता है। तो चलिए सबसे पहले मेरी सासू माँ, मेरी माँ, और उसके बाद इनसे मिलिए, ये मेरी भाभी है, मेरी जेठानी, मेरी इकलौती जेठानी, ये मेरी सबसे बड़ी ननद है रानी बाजी, सबसे बड़ी है ये नंदों में, ये मार भी देंगे दो पड़ा का तो चलेगी। मारेंगे उसके बाद ये है खाला। इनसे मिलिए, ये
ये मेरी ननद है बड़ी वाली खालिदा, और ये अरमान है सबसे छोटे देवर, मेरे छोटे ससुर जी के बेटे हैं। और उधर आइए, उधर मिलाते हैं आप सभी से, इनसे मिलिए। सुफियान है मेरे देवर, सबसे छोटे हैं घर में, चारों भाई में सबसे छोटे ही हैं। ये अरकम है, और मेरी अजल बहुत रो रही है। बाकी लोग कहाँ गए? गुड़िया उधर है। ये अरसल है, एजल के पापा के मामू के लड़के, मेरे देवर हैं ये। इनको होम ससुराल फुल होम टूर में इनको आप लोगों ने देखे होंगे, होम टूर में इनको देखे होंगे बिना कपड़े का बैठ। तो गाइस फाइनली सब कुछ अच्छे से निपट गया, बहुत ही अच्छे से पार्टी भी हो गई और बहुत ही मस्ती किया हम लोगों ने। तो अभी आज अभी घर जाने का भी टाइम हो गया है, तो अभी मैं खुद तैयारी से भी नहीं आई थी, बस मैंने सोचा कि मैं रात में चली जाऊंगी पर मैं जा नहीं पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी घर जाने का टाइम हो गया। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर कर दो और शेयर भी कर दो, जितना हो सके आप लोगों से शेयर कर सकते हो। लेकिन लाइक करने में क्या जाता है, सिर्फ एक क्लिक तो करना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अभी चलते हैं घर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए के साथ, नए ब्लॉग में आपसे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।